अला डाल दो कोई तुम्हारा पति। और स्वयंवर में तो कन्या किसी को भी गले में माला डाल सकती है। तो समुद्र मंथन के समय 10,000 महात्मा एकत्रित हुए। दुर्वासा जी सबसे पहले आ गए कि मैंने दूर्वा को घोंट घोंट करके पी करके 10,000 वर्ष तक तपस्या की है, मेरे गले में माला डाल दो, मगर तुम्हारी गले में माला नहीं डालूंगी, क्योंकि तुम में तो क्रोध ज्यादा है। जहां क्रोध रहता है वहां मेरा वास नहीं रहता। लक्ष्मी तो है ही ऐसी। देखिए राम जी पहुंचे दंडकारण्य, पंचवटी, पंचवटी पर राम जी पहुंचे। इस दंडकारण्य के ऋषियों ने सुना सो सोचा कि राम जी के पैर में ऐसी बूटी है कि पत्थर से लगा देते हैं, सो पत्थर से नारी बन जाती है। ऋषियों ने सोचा कि भजन ज्यादा करते हैं, भोजन बनाने में विलंब होता है, सो पत्थर में से एक एक पत्नी बनवा लो। अब ऋषियों ने पत्थर छाटे, कितनी पतली, कितनी मोटी, कितनी लंबी, पत्थर छांट छांट करके कंधे पर रख रख करके और राम जी के यहां पंचवटी पे लाने लगे। राम जी ने सोचा कि इनसे मना तो कर नहीं सकता, और ऐसी में पत्नी बना कैसे सकता। सो ऋषि आए, उससे पहले सीता जी का हरण हो गया। अब उधर से तो सीता है, ऋषि आ रहे हैं, और इधर राम जी रो रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी की ताकत है देखी। इधर राम जी कह रहे हैं कि हे खगे मृग मधुकर श्रेणी। राम जी को रोते हुए देखकर के ऋषियों ने पूछा राम लक्ष्मण जी से कि राम जी क्यों रो रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले कि इनकी पत्नी का हरण हो गया है, सो पत्नी के दुख में राम जी रो रहे हैं। ऋषियों ने कहा कि इनकी पत्नी का हरण हो गया तो हमारी पत्नी का भी हरण होगा क्या। लक्ष्मण जी ने कहा कि इनकी पत्नी का तो हरण हुआ है और तुम्हारी पत्नी का तो मरण होगा, सो तुम्हें भी रोना पड़ेगा। ऋषियों ने पत्थर फेंके कि इससे तो अच्छा एक पत्नी हो नहीं तो अच्छी बात है। आए ऋषि 10,000 ऋषि समुद्र के मंत्री के पास में आ गए, मना कर दिया तुम्हारे गले में माला नहीं पहना होगी। बलि बोला मेरे गले में तो पहना दोगी, तुम्हारे गले में माला नहीं पहनाऊंगा। क्यों? कि तुम मदरा को ज्यादा पीते हो, जिस घर में मदरा का सेवन होता है उस घर में मेरा वास नहीं रहता है। बलि से मना कर दिया तो इंद्र कहने लगा कि अब कौन बचा है, डाल दो मेरे गले माला। इंद्र का वो हाल हो रहा है, एक बार राम जी में किशोरी जी में होड़ लग गई, अपने अपने भक्तों के नाम लिखो। अब एक सूची बनाई, सो सूची में नाम लिखे हनुमान जी मेरे भक्त, और किशोरी जी ने पहले नंबर पर लिख दिया हनुमान जी मेरे भक्त। अब एक नाम दो सूची में होगा तो निर्णय तो उसी को करना पड़ेगा। सभा में देखा तो सभासदों ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी से पूछा कि बताओ तुम किसके भक्त हो, सीता के या राम जी के। जैसे ही हनुमान जी खड़े हुए सो राम जी बोले कि बाज पुत्र मेरी लज्जा तोरे हाथ, आज मेरी लज्जा पर रख ले। हनुमान जी ने हाथ का सारा किया, चिंता न करे, खड़े होकर के दरबारियों ने पूछा कि बताओ किसके भक्त हो। आज हनुमान जी कहने लगे, बोले भक्त नहीं श्री राम का हूं। इतना कहा, बोले भक्त नहीं श्री राम का हूं। दरबारियों ने ताली बजा दी। किशोरी बोली हाँ राम जी की मना कर दिया तो बेटा कह दो किसके भक्त हो, मेरी भक्त तो बनोगे। बड़ी खुशी में किशोरी जी। लेकिन हनुमान जी बोले, बोले भक्त नहीं श्री राम का हूं, भक्त नहीं श्री जानकी का। जानकी की मना की सो जानकी जी की गर्दन नीची हो गई। दरबारी बोले राम जी के नहीं किशोर जी के नहीं तो किसके भक्त हो जल्दी बताओ। हनुमान जी बोले, बोले भक्त नहीं श्री राम का हूं, भक्त नहीं श्री जानकी का,
दरबारी तुम धर ध्यान सुनो, भक्त तो सीता राम जी का। मैं तो राम जी का न सीता जी का युगल पा सके, एक हाथ किशोरी के चरणों में और एक हाथ राम जी के चरणों में। इंद्र कह रहा मेरे गले में माला डाल दो। उनका कहा नहीं, तुम्हारे गले में माला नहीं डालूंगी, तुम्हारे घर में तो झगड़ा होता है और किसी को लक्ष्मी से बैर हो तो सास बहू सुबह उठ करके झगड़ा करें, भाई भाई झगड़ा करें। पहाड़ जैसी लक्ष्मी रखी होगी, सोन रखा होगा, वो भी चला जाएगा। लक्ष्मी कहाँ रहती है? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति रहती है वहां संपत्ति रहती है। इंद्र से मना कर दिया और विष्णु भगवान की गले में माला डाल दी। चौदहवे रत्न में धनवंतर जी निकले, बलि लेकर के भाग गया। कक्षपव तार त्याग करके भगवान आए। इंद्र से पूछा कि अमृत कहाँ है? कि मारे उसे तो बलि ले गया। भगवान का कहीं पी गया तो फिर मैं कैसे मार सकता हूं? मैं जाऊंगा तो मुझे देख करके भाग जाएगा। तो भगवान ने मोहिनी रूप रखा और बलि के सामने होकर के निकल पड़े। और बलि के सामने होकर के निकले से मंत्र आसक्त होकर के बलि बोला, तुम किसकी कन्या हो? मारे स्वयंवर के लिए आई हूं, स्वर्ग से आई हूं, तो तुम्हारे मन को देख करके तो मुझे ऐसा लग रहा है। अरे चंदा भी देख शर्माया, अरे चंदा भी देख शर्माया, मोहिनी तुझे बन में बसाया। चंदा मोहिनी तुझे किसने बनाया? चंदा भी देख शर्माया, मोहिनी तुझे किसने सजाया? किसने सजाया? किसने सजाया? किसने सजाया? किसने सजाया? चंदा सा चंदा भी चंदा भी देख शर्माया, मोहिनी तुझे किसने भैया तुम्हारे साथ ही रहेगा। अमृत कलश को छोड़ करके भगवान अंतर्हित हो। बलि लगा वो कहां गए कहां गई? राव बोला थी नहीं वो था, वही भगवान विष्णु। ओह छल कर गया, मारो थी अम्ब भद्राणी, मारो मारो मारो, कहीं नहीं। देवासुर संग्राम हुआ, दैत्य वंश को नष्ट कर दिया गया। अमरावती का राजा इंद्र बन गया। शुक्राचार्य जी को पता चला, सो बलि की हड्डियों को आकर के पहचान लिया। और पहाड़ जैसा हड्डियों का लगा हुआ है तो बलि की हड्डी में क्या विशेषता थी? बलि की हड्डी में यह विशेषता थी कि जिसने केवल ब्रह्म विद्या को ग्रहण किया, सो हड्डी से हड्डी को बजाते हैं ब्रह्मत्व की झलक निकलती है, ये बलि की हड्डी है। एक तत्कथ के मत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर लिया और कहा हम ब्राह्मणों की सेवा करती रहोगे तो अमरावती का राजा बनाएंगे। 99 यज्ञ करा दिए। इंद्र पद से अलग होकर के चला गया, लेकिन इंद्र की माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ। मेरे बेटाओं को बार बार राज मिलता है और फिर भी पद से अलग होना पड़ता है। सो कश्यप जी से निवेदन किया, महाराज मेरा बेटा इंद्र चला गया है, अब इसके लिए पुनः राज कैसे मिलेगा? तब उन्होंने कहा कि आप एक व्रत करिए, आपको इंद्र को पुनः राज दिलाने वाला बलशाली बालक मिलेगा, साक्षात भगवान ही आकर के आपके गृह में अवतरित होवेंगे। अदिति ने कहा उस व्रत का नियम क्या है?
उन्होंने कहा आदतम फालगन श्यामा से, फागुन का महीना फालगुन श्याम से पक्षे द्वादशे अम्पयो व्रतो अर्चये तय बिंद्राक्षम भक्त्या परम भयाव्रते। फालगुन श्याम ने फागुन के महीने में और अमावस के बाद में प्रतिपदा तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक ये व्रत किया जाता है। जिन महिलाओं के गर्भ में बालक नहीं आता है तो जरूर ही उनका गर्भ में बालक आता है। नियम क्या है इस व्रत का? नियम है पयोव्रत, 12 दिन तक ये दूध का आहार करके व्रत करना चाहिए। तो व्रत का नियम क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के मिट्टी शरीर से लपेट करके सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए, पवित्र आसन पर बैठना चाहिए, उच्चिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए, उच्चिष्ट माने झूठा, पूजा करते समय खुले हुए केसों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माता बहनाओं का एक बाल टूट करके भोजन की थाली या पूजा की थाली में गिर जाता है तो कोई भी देवता उस पूजा को उस भोग को ग्रहण नहीं करता है। तो बालों को बंधन करते हुए और व्रत के समय अंजलि बांध करके जल नहीं पीना चाहिए, व्रत के समय दक्षिण और पूर्व को पैर करके नहीं सोना चाहिए। वैसे मेरे प्यारे पूर्व दक्षिण को तो कभी भी नहीं सोना चाहिए पैर करके, क्योंकि आप प्रैक्टिकल कर लेना, जो दक्षिण को पैर करके सोते होंगे तो उनके घर से रोग कभी नहीं जाता है, कोई ना कोई बीमारी घर में लगी रहती है। पूर्व को पैर करके सोते हैं तो उससे लक्ष्मी का ह्रास होता है, लक्ष्मी घटती है, तो इनको पैर करके नहीं सोना चाहिए। और पाखंड बने की पूजा नहीं करना चाहिए। पाखंड क्या होता है? एक बार एक महात्मा जी गांव में पहुंच गए, गर्मी का समय था। महात्मा जी ने कहा माता जी को आवाज लगा, ए माँ मैं जल पीऊंगा। माता जी जल में पात्र लेकर के आई, मारे लो पी लो। पात्र तो तांबे का था, सुबह का पवित्र था, कम चमकीला था। सो महात्मा जी ने पैरों पर डाला और पात्र वापस कर दिया। मारे पिया नहीं, नहीं पीना नहीं है, निकल गए। आगे चल करके फिर आवाज लगाई, माँ मैं जल पीऊंगा। देखो माता जी बड़े चमकीले पात्र में जल लेकर के आई, मारे लो महात्मा जी ने जल पी लिया। फिर पूछा कि पहले वाला घर किसका है? मारे मेरी बड़ी बहन जी। लेकिन कोई बात? तुम्हारी बड़ी बहन जी तो कोई बात नहीं है। अरे मारे कुछ तो होगी। अरे क्या मैंने पानी मंगाया तो ऐसे पात्र में लेकर के आई, देखो तुम्हारा कितना चमकीला पात्र है। वो बोली महाराज वो संतों को जल पिलाने के लिए पूजा के लिए सुबह ना करके पवित्र आप पात्र रख देती हैं, उसी से कोई छूता नहीं है, पवित्र से ही पिलाती हैं। तो दिन में एक बार मजेगा तो कम चमकीला रहेगा। तुम्हारे पात्र कि हमारे 10-5 बच्चे हैं सो बिगाड़ बिगाड़ करके पूरे दिन आंगन में डाल देती है, सो कुत्ता चाट चाट करके बिल्कुल चमकीला बना देती है। ऐसी पाखंड बने की पूजा हो दिव्यता दिखने लगे तो क्या मतलब की? सात की विधि से आप व्रत करोगी भगवान मिलेंगे। माता जी ने व्रत किया, गर्भ में बालक आए, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि बुधवार मध्यान्ह 11:30 बजे परब्रह्म परमात्मा बावन भगवान प्रकट हुए। बोली श्री बावन भगवान की जय। प्रकट होकर के मैया ने एक कौपीन लगा दी, किसी ने कमंडलू दे दिया, किसी ने छत्र दे दिया और गुरु बृहस्पति जी की शरणापन्न कर दिया। बृहस्पति जी ने कहा कि भाई दीक्षा तो तब दूंगा, पहले आप सात घर की भिक्षा लेकर के आओ। सात घर से भिक्षा लेकर के आया कि इससे मेरी पूर्ति नहीं होगी, मुझे तो तैलोक की भिक्षा चाहिए। बलि से तैले भिक्षा लेकर के आओ, तैलोक का राजा तो इस समय बलि है। बावन भगवान बलि के दरबार में गए, यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। द्वारपाल ने बलि देखा, बावन भगवान से कहा कि महाराज आज तुम्हें देखने से मेरा मन प्रसन्न हो गया, मेरी सभी क्रियाएं सफल हो गई, मेरा जीवन धन्य बन गया। बावन भगवान बोले कि क्या तुम बलि हो? कि महाराज बलि तो नहीं हूं, पर तुम्हें मांगने में विलंब होगा, मुझे देने में विलंब नहीं होगा, मुझे तो ये बताओ बलि कहाँ है।
सीधे यज्ञशाला में चले जाओ। और यज्ञशाला में जाकर के उन्होंने कहा भिक्षाम देही। 12 बजे के बाद बालक आया यज्ञ में खड़े होकर के, अतिथि देवो भव, कहीं ये लौट न जाए, सो तुरंत ही खड़े होकर के आए, महाराज आप बता दो मैं क्या आपको भिक्षा में डाल दूं, यज्ञ में विलंब हो रहा है, सो मुझे आप बता दो। वो बोले मैं बता दूं, वो तो राजन तुम्हारे पूर्वज भी ऐसे थे दानी। बड़ी ने कहा कि तुम्हारी उम्र है 52 अंगुल का शरीर, नन्नी सी उम्र, और तुम मेरे पूर्वजों के विषय में जानते हो, बदल गए 52 भगवान। हाँ मैंने सुना है वेदों से। क्या सुना है? आज 52 भगवान कहने लगे, बोले वीरता में हिलना चहिलना कश्यप बहे, जाके और ठोर ठोर भागे भगवान है, पिता मैं पेलाद तेरे ऐसे भय, जाको यस गावे वेद योर पुराण है, तेरे पितामह की बात करो तो भगवान ही बैकुंठ को छोड़ करके जाना पड़ा, तेरे बाबा प्रहलाद द्वादश भक्तों में जिनका नाम है, और तेरे पिता विरोचन की बात करें, पिता तेरे ऐसे दानी इंद्र की ओ छद्म भेष, आज इंद्र को जिन दियो निज प्राण है। तेरे पिता ने तो इंद्र को प्राण ही दे दिया। एक बार क्या हुआ कि इंद्र की उम्र थी 1000 वर्ष और सची की उम्र थी 20 वर्ष। इंद्र ने सची से कहा कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो। महाराज मैं 20 वर्ष की और तुम 1000 वर्ष की, क्या ऐसा वर्ग होगा? हाँ तुम जवानी किसी से ले लो तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। अब ऐसा मूर्ख कौन होगा जो कि 90 वर्ष की उम्र को तो ले ले और 20 वर्ष की जवानी को दे दे। इंद्र ब्राह्मण का भेष बना करके बलि के पिता विरोचन के पास पहुंच करके कहा भिक्षाम देही, राजन मुझे भिक्षा दे दो। क्या भिक्षा चाहिए? तो मांगूंगा वो ले लूंगा, तो तू मांगेगा वो ही देंगे। इंद्र बोला तो महाराज अपनी जवानी को मुझे दे दो, मेरे बुढ़ापे को ले लो। विरोचन घबराने लगा, ये भी कोई मांगने की बात होती है? मैंने मांग लिया देना पड़ेगा। तो इंद्र का बुढ़ापा विरोचन ने ले लिया और विरोचन की जवानी बलि को इंद्र को मिल गई। सची से कहा कि अब तो विवाह करोगी, तब तो सची का विवाह संस्कार हुआ। बाबा भगवान कह रहे तेरा तो पिता ऐसा दानी था, क्या कहना है, अपने प्राण को दे दिया। अजहू विचार लेना हार कोई और नहीं, और देनहार आज बलि जैसो यजमान है। लेने वाला भी कोई और नहीं है, ध्यान कर ले। बलि बोली महाराज मुझे यज्ञ में विलंब हो रहा है, तुम तो मांग लो क्या चाहिए, तुम्हें मांगने में विलंब होगा पर मुझे देने में नहीं होगा। राजन कल मैं एक जगह पूजा के लिए बैठा, सो खेत मालिक आया कि बाबा यहां खड़े हो जाओ। मैंने कहा भाई मेरे 2 घड़ी पूजा करने के बाद चला जाऊंगा कि नहीं नहीं बाबा आज यहां पूजा करोगे, कल ईंट पत्थर डालोगे, परो मंदिर बनाओगे, सो यहां से तो भागो। मैंने सोचा कि मेरी भूमि होती तो मैं काय को भागता, इसलिए निज पूर्वज सम आपकी बुद्ध धर्म में लबलीन, और राजन मेरे पगन से देव भूमि पग तीन, मुझे 3 पग भूमि दे दो। हंस करके बलि ने कहा एक घंटे से भी जिद कर रहे थे, मांगत मांगत क्या मांगा, 3 पग भूमि, मैं दीपों का देने वाला। नहीं महाराज, गजधन गोधन कनकधन सहस रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। बस महाराज मुझे तो केवल संतोष धन चाहिए, 3 पग ही चाहिए, और 3 पग में तो तन मन धन सबको ले लिया। कहा तो ठीक है महाराज, 3 पग ही लेना चाहते थे, काम करिए। बोले 3 पग भूमि लेके तो मैं कहा करिए, परे नहीं पूरी मृग छाला झोली जा पुखी, कहां रखो ठाकुर सिंहासन आप, और कहां रखो पाठ पोथी पाठ बाल,
कहां सिंहासन में ठाकुर जी का रखोगे, कहां पाठ वाली पोथी रखोगे। और तीन ही पद चाहिए तो एक काम करिए, तीन पग चाहो तो नाप मेरा दैत कोई, जय का एक पैर एक योजन प्रमाण का। दैत का पैर एक योजन पे पड़ता है और चार कोस का एक योजन होता है, बारह कोस भूमि तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी। मैं गुरु की कन्या के साथ आपका विवाह करके 22 गांव दान में दे दूं? नहीं महाराज, मुझे तो तीन पग भूमि चाहिए। तो ले लो, तो संकल्प करिए और संकल्प के लिए संघ आचार्य को बुलाओ। यज्ञ आचार्य के पास में शुक्राचार्य जी से कहा कि महाराज, एक मैंने ब्राह्मण को तीन पग भूमि दान कर दिया है, आप संकल्प बोल दो। शुक्राचार्य जी ने कहा, ओहो ये तो बोई छलिया आ गया विष्णु, इससे तो बदल जाओ। तो महाराज मैं कहकर के कैसे बदल जाऊं? शुक्राचार्य जी ने कहा कि आठ जगह झूठ बोलने का कोई दोष नहीं होता है। आठ स्थान कौन से हैं? स्त्री नर्म विवाहे सुव्यथ्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणम अहिंसाय नानतम यजगोप्सितम। स्त्री सु अपनी पत्नी से हास प्रयास में आप झूठ बोल जाओ, पत्नी कहे कि मारा जब ये साड़ी है चरक की साड़ी चाहिए, कैटलॉग की साड़ी चाहिए, कह दो एक तारीख को पूरी तनख्वाह तुम्हारे श्रृंगार में लगाऊंगा और बरसों मत लाओ तो इसका कोई दोष नहीं होता। लेकिन भैया कल को मैं ऐसा कोई मत कर देना, ये सत्य की कथा है। स्त्री से नर्म कहते कन्या के विवाह में 10 लाख रुपए का बदाया करते हुए 1 लाख रुपया दो, कोई चिंता नहीं, अपनी आजीविका के लिए झूठ बोल जाओ, कोई दोषारोपण नहीं। गौ ब्राह्मण हिंसाया, गौ ब्राह्मण का युद्ध हो रहा हो आप झूठ बोल जाओ, कोई दोष नहीं, आपकी आजीविका बच रही है बोल जाओ, प्राण संकट में हो तो झूठ बोल जाओ। उनका जब भगवान ही दान लेने के लिए आ गए तो दान के प्रताप से तुम्हें बलि बना, बलि को अपने पूर्व जन्म की कथा याद आ गई। बलि पूर्व जन्म में कसाई था, एक बार मदरा में उलबांध हो करके एक फूलों का हार पान का बीड़ा लेकर के और ये एक वैश्या के पास में जा रहा। श्रावण का महीना था, एक पातेश्वर शिवलिंग, भगवान शंकर जी का भक्त कोई शिवलिंग की पूजा करके चला गया, इतना उन्मान था कि गिर करके वहीं डला रहा और ये फूलों का हार और पान का बीड़ा शंकर जी की पिंडी पर ऊपर गिर गया। सुबह उठ करके जब होश आ जाता लौट के घर गया, अंत समय मर करके संयमनीपुरी पहुंचा। यमराज जी ने बही खाता खुलवाया, देखो इसका कितना पुण्य कितना पाप है। चित्रगुप्त जी ने कहा कि महाराज जीवन में पाप ही पाप किया है, केवल एक बार भूल से वैश्या को पहनाने के लिए पुष्प का हार और खिलाने के लिए पान का बीड़ा ले जा रहा था, गिर करके शंकर जी के ऊपर गिर गया है, वो इसका पुण्य है। बड़ी से पूछा कि पहले पुण्य को लोगे या पाप को? तो महाराज मेरा पुण्य है कितना? एक घंटे के लिए तुम्हें चाहो जो बन सकते हो। मैं चाहे जो बन जाऊंगा? हाँ। तो एक घंटे के लिए मुझे इंद्र बना दो। इंद्र बल से इंद्र को हटा दिया और बलि को इंद्र बना दिया। अब बलि ने सोचा कि एक घंटे बाद तो नरकों में जाना ही है, कुछ दान कर लो वही काम आएगा। नंदनी गऊ को लेकर के वशिष्ठ महाराज को दान कर दिया, कामधेनु गऊ को लेकर के जमदग्नि ऋषि को दान कर दिया, कल्प वृक्ष लेकर के दान कर दिया। इतना दान किया, इतना दान किया, बैकुंठ अमरावतीपुरी खाली कर दी। और एक घंटे बाद में फिर यमराज के पास में इंद्र दौड़ा दौड़ा आया, महाराज ऐसा राजा बनाया कि मेरा तो चौपट ही हो गया। क्या कर दिया? कि मेरा सबको दान कर दिया इसने। यमराज ने सोचा कि एक घंटे में इतना दान कर सकते हो तो मृत्युलोक में कितना दान करोगे? अब तुम्हें नरकों में नहीं डाला जाएगा, जाओ मैं तुम्हें बलि बना करके मृत्युलोक भेजता हूं, कितना दान करोगे? पूर्व जन्म की वो याद आ गई कि दान के प्रताप से मैं नरकों में न जाता हुआ और यहां आकर के बलि बना। और भगवान दान लेने के लिए आ गए, उनको भी नहीं दान दे पाऊंगा,
तो फिर मैं शरीर का करूंगा भी क्या। गुरु जी से कहा महाराज इतने तो संकल्प बोलिए। गुरु जी नहीं आए सो कहा महाराज आप भी ब्राह्मण है यहाँ पे ही बोल दो। गुरु जी ने आकर के कीड़ा बन करके जल पात्र में सागर की नली में आकर के उलझ गए, न उसमें से जल निकलेगा न संकल्प पूरा होगा। भगवान ने यज्ञ में से कुसा उठाया सागर की नली में डाली, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। सब बैठे रहे उन्हें फोड़ ही डाली, एक आंख क्यों फोड़ा? भगवान ने कहा भैया द्वैत भाव अद्वैत भाव, भेद बुद्धि अभेद बुद्धि। भेद बुद्धि तो ये है कि ये तेरा वो मेरा, और अभेद बुद्धि ये है कि ये भी मेरा ये भी मेरा वो भी मेरा ये भी मेरा, कण कण में मेरा ही वास है। भगवान कह रहे हैं देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुविधा रह जाए एक। कण कण में परमात्मा का दर्शन करो, समान दृष्टि डालिए, एक नेत्र से संसार को देखिए। संकल्प पूरा हुआ और पूरा होते ही बलि से कहा कि बलि किधर से ना पू मारे चाची दर्शन ना पढ़ो। अब इन्होंने विराट स्वरूप पढ़ाया और बढ़ा करके पृथ्वी को नाप लिया। बोले पृथ्वी नापी एक में और दूजे में आकाश, तीजा डग अब कत लिखूं सब ही असुर निराश। एक में पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे में पूरे आकाश को नाप लिया। बलि से कहा तीसरा कहां रखूं? उनका मारा तीसरा, बलि भी बड़े चतुर था, कब मैंने दो भुजाओं से इस पृथ्वी को जीता जिसमें तुम्हारी दो पैर की पूर्ति हो गई, तो तीसरा मेरे ऊपर कर लो। और तीसरा मेरे ऊपर ऊपर पैर रखा, ब्रह्मा जी ने पकड़ लिया। क्या करते हो महाराज? उनका क्या करते हो कि मैं तीसरा पैर नाप रहा हूं? महाराज तुम्हें पता है संसार में बड़ा कौन है? बोले मानव कहता मैं बड़ा तो इस पृथ्वी पर क्यों खड़ा, पृथ्वी कहती मैं बड़ी तो शेष के शेष पे क्यों रखी, शेष कहता मैं बड़ा तो शंकर के गले क्यों पड़ा, शंकर कहता मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत क्यों रहा। कैलाश पर्वत पर शंकर जी रहे ससुराल में, वो प्यारे ससुराल में तो तब रहा जाता है तब कहीं भी ठौर नहीं मिले। तब कोई ससुराल में बसने वाला हो तो बुरा मत मानना, ससुराल में बसना अच्छी बात नहीं है। बोले कैलाश शंकर कहता मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत क्यों पड़ा, कैलाश कहता मैं बड़ा तो रावण हाथों क्यों उठा। कैलाश पर्वत को तो रावण ने उठा लिया, रावण बड़ा है। रावण कहता मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों रहा, बाली ने 6 महीने कांख में रखा वो भी बड़ा नहीं। बाली कहता मैं बड़ा तो श्री राम के हाथों क्यों मरा, बाली बड़ा होता तो राम जी के हाथों थोड़ी मरता, बड़े कौन है? बाली कहता मैं बड़ा श्री राम के हाथों क्यों मरा, श्री राम कहते मैं बड़ा तो भक्तों के हृदय कैद क्यों पड़ा। भगवान को तो भक्तों ने अपने हृदय में कैद कर लिया है, तो संसार में सबसे बड़े भगवान की भक्त। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। पंडित भी हुए दादा, विद्वान हुए दादा।
जैसा हरे रावण की जैसा हरे रावण की जैसा बासुर जैसा हर बस बासुर जैसा बाबर भगवान सभी के सामने विराजमान हैं और सभी के सामने जहां तक बाबर भगवान जा सके सभी के सामने आएंगे, जिससे जो बन सके भगवान को दान। पहले हमारे दीपक भैया आएंगे, भगवान की पूजा करेंगे और भगवान को पुष्प और जो भी दान देना चाहे दें। जल्दी जल्दी आएंगे, अपनी जगह पे बैठे हैं भैया, कोई खड़ा नहीं हो। बृहस्पति त्वामोखदे सोमो राजा विद्वांस्मादमः। सभी परिवार के लोग अतिशीघ्र पूजन करें, विलंबित न करें और भगवान को जो भी दान देना है उसके बाद भगवान आगे भी जाएंगे और उसके बाद बहुत ही सुंदर साक्षात लक्ष्मी जी का जो है दर्शन आपको होगा। किस तरह बलि के यहाँ लक्ष्मी मैया जाती हैं जब और बलि को राखी पहनाएंगी और बलि को अपने बंधन में बांधेंगी, सारी लीलाएं आपके मध्य रहेंगी। लेकिन आपसे अनुरोध रहेगा विशेष कि जगह पे ही बैठे रहें और आनंद लें और जो भी पूजन की जब बारी आएगी एक एक से बारी बारी से माता हमारी पूजा करने यहाँ आएंगी और पुनः अपने स्थान पे पहुंच जाएंगी, इस बात का विशेष ध्यान रहेगा और तालियों की सेवा चलती रहेगी। बनाए बलि राजा के द्वारे आए, हम सब अपने जगह बैठ जाए, कोई आवे नहीं, हम
सबसे पूजन सबका पूजन कराएंगे, कोई वंचित नहीं रहेगा। बाल समय दे देंगे थोड़ी सी, अभी लक्ष्मी जी आए नहीं है और आप लोग सब लोग आने लगोगे तो फिल्म होगा। थोड़ा सा लक्ष्मी जी आकर के मांगे ना, उसके भगवान विराजमान है, उसके बाद लक्ष्मी जी भी आएंगी तो लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा करने का अवसर मिलेगा, इसलिए थोड़ा और आप रुके। बोली बाबा भगवान की तालियों की सेवा। छोटे छोटे हाथ उनके छोटे छोटे पांव, उनके छोटे छोटे हाथ उनके छोटे छोटे पांव। बोलिए श्री बावन भगवान की जय। आज बावन भगवान ने तीन लोग की संपत्ति को नाफा ब्रह्मा जी ने खींच लिया। बड़ी से कहा तुम क्या चाहते हो, वरदान मांग लो। बिंदावली से कहा, बिंदावली कहने लगी महाराज क्या दे सकते हो। भगवान ने कहा अब मांगल राज हो पुर को, मांगेल तू बेकुंठ निशानी, इंद्र को इंद्रासन मांगे, मांगन हो ये सो मांगेल रानी, सोल श्रृंगार बत्तीस भूषण, जो बन जोर नई रजधानी, ओ बारंबार गोविंद कहें। बिंदावली बोली मारे अभी अभी भिखारी बन करके आए हो, दान भी दे रहे हो। अरे हंडल हार गए धरनी, फेरे न पाऊं दरे महिमा ही, और रहने को त्याग दियो चकबे, अरु कंथ को देखते शस्त्रों की नाई, ऐसे ही बात बड़े न रखी, दान दे के फिर बापड़ी रहो। सुतल लोक में बावन भगवान बलि बैठे हुए हैं, लक्ष्मी जी को नारा दे रे, राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, राखी के बंधन बहन को ना भुलाना ना भुलाना भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। तालियों की सेवा, सभी के हाथ ऊपर होना चाहिए भगवान और लक्ष्मी नारायण भगवान की। तालियों की सेवा। बिंदावली ने कहा दीदी क्या चाहिए मांग लो। ओम मेरो ओम मेरो, आई लक्ष्मी जी मांग रही है। सखी रे बड़ो प्यारो है, यहाँ पर थोड़ी जगह कर दो आप सभी लोग, सभी को बता दो भैया अभी पूजा करते हैं। सखी रे बड़ो प्यारो है, प्यारों है सखी न्यारों है, प्यारों है मत
छोटो सो लड्डू गोपाल सखीर बड़ो प्यारो है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से करूं मैं संभाल लक्ष्मी मैया की। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखीर बड़ो प्यारो है। याके मोटे मोटे, याके मोटे मोटे, याके मोटे मोटे फूल जाएगा सखीरी बड़ो प्यारो है। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ो प्यारो है। सारा दिन चुपके चुपके मस्ती मनावे, शाम जो ढले मोकू मुरली सुनावे, मस्ती मनावे मुरली सुनावे। वाकी मुरली पे आए, वाकी मुरली पे, वाकी मुरली पे जाऊं बलिहार सखीरी बड़ो प्यारो है। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ो प्यारो है। बोले लक्ष्मी मैया की क्या हो। अरे माटी के धोंधा हो, ढाई शेर पानी पी के आओ, ढाई ढाई शेर अन्न को खाए के आओ, ना तो ताली बजे तुमन सो और ना तुमन पे जय बोले, जय के जगह करो है। लक्ष्मी मैया नाच रही है तुमसे, बार बार कह रहे ताली बजाओ, जय बोलो, एक से जोर से बोले बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अभी कछु ना है पतो, अब पतो यो पड़ेगा, पहले हमारी महिलाएं देंगी और उसके बाद जयकारा हमारे पुरुष भैया देंगे। देखते हैं किसकी आवाज बसेड़ी तहसील तक पहुंचती है। ठीक है, कोई भाई भैया हमारे सब चुप रहेंगे, हमारी माता बहनें जोर से जयकार, पूरी ताकत लगा देना, देख लेना बात का सवाल है, नहीं तो भैया नंबर ले जाएंगे पहले। बोले लगे तालियों की सेवा। हर घड़ी शाम तेरी याद आती है,
रानी सा तूनियो सांवरिया कैसा जादू है किया मैंने तो नाम तेरे सारा जीवन है किया तूनियो सांवरिया कैसा जादू है किया मैंने तो नाम तेरे सारा जीवन है किया तेरी याद हर पल सताए मुझे जमाने में कुछ भी न भाए मुझे कहे सोनू देखू जिधर सामने नजर तू ही तो शाम आए मुझे तेरे नाम की मैं दीवानी हो गई तू मेरा हो गया मैं तेरी हो गई मेरे शाम तुझसे लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब जो भी हमारी माता बहन बेटी भाई बंधु बावन भगवान की पूजा करना चाहें समय कम है आरती भी होना है और आपको भी विलंबित होना है इसलिए एक एक से आए क्योंकि हमारे तुम्हारे मध्य नंद नंदन यशोदा नंद श्री कृष्णचंद महाराज जी का जन्म होगा उसमें सभी माता बहन बेटी एवं भाई बंधु धर्म प्रेमी बंधु सभी भगवान के उत्सव में भगवान की बधाई के लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे और बहुत ही जोर से उत्सव मनाएंगे बोली बामन भगवान की जय हो लक्ष्मी मैया की सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो यथास्थान पर कथा श्रवण किए देखिए अनुष्ठान हो या कथा हो या भजन हो जिस जगह पर बैठते हैं शुरू से वो स्थान सिद्ध हो जाता है वहीं पर कथा श्रवण करना चाहिए वहीं से खड़े होकर भगवान की आरती करना चाहिए इसलिए इसको समय को न गवाते हुए जो भी जहां है अपने स्थान से ही भगवान की मन से आरती करेगा यहां आकर क्या फायदा कथा श्रवण कर रहे हो वहां आरतियां मन से होती है रोज सुनते हो तुम तो इसलिए आप अपने स्थान पर ही भगवान की आरती करेंगे ओम चंद्रमा मनसो जात जो हो सूर्यो जायत श्रोता द्वायस्य प्राणस्य मुखादग्नि रजायतः तालियों की सेवा We'll be right back.
प्यारी जिसने सारी दुनिया पारी
ब्रह्मादेवः शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षामा शान्तिरेधिः पुष्पै देवादिवन्दनं पुष्पदीजे चंद्रेन चंद्रमय चंद देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न तेहनाकं महिमानः शचन्त जत पूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मीश विद्महे विष्णु पदनेश धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवंतिका बकुलचम्बकपाटलाब्जे पुन्नागजात करवीधरशाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसीदल मंजरे भेस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणौ परमेश्वर सुमन सुगंधे सुमन युत सुमन सुगंधे बहार पुष्पाञ्जलि अर्पित करूं मेरे नाथ करो स्वीकार मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। चलो भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज राज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गोविंद की जय हो। के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पार्वती पदर हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के शांति से ही जाएंगे और भजन करते हुए बिना प्रसाद आरती के कोई नहीं जाए। और कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव की विशाल झांकी लीला बड़ा आनंदमय कथा। Thank you.
हो गए।